यू हैव टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ठीक है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, लेट मी जूम इट. तो ये जो शेडेड पोर्शन है ना, इसका आपने एरिया फाइंड करना है. एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ठीक है, सर्कल के बीच में. ओके, चलो फटाफट से करते हैं इसे. ठीक है, आई एम गिविंग यू हिंट. चलो मैं आपको हिंट देता हूँ. ठीक है, ये जो रेक्टेंगल का डायगनल आएगा ना, दिस डायगनल, दिस विल बी नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द सर्कल. ये जो डायगनल है, दिस विल बी नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द सर्कल. तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग? ये तो बहुत आसान से निकाल सकते हैं. मैं इस तरीके से बना लेता हूँ. ठीक है, इस तरीके से डायगनल निकालना तो बहुत आसान है. ये नीचे 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, ये जो लेंथ है, और ये 6 दिया है, ये हाइपोटेन्यूस, ये तो निकालना बहुत आसान है. ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दिस इज 90 डिग्री. बेस कितना है? 8 स्क्वायर. सो एच स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू 36 प्लस 64, 8, और एच स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू 100. 64 प्लस 36 100, और एच विल बी रूट ऑफ 100 इज 10. एच आ गया 10 सेंटीमीटर. तो मेरा हाइपोटेन्यूस तो आ गया, या डायगनल आ गया मेरा रेक्टेंगल का. ओके, आसान सवाल है. तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर. ओके, तो अब आप सर्कल के, अगर सर्कल के एरिया से, इफ यू सर्कल का एरिया से अगर आप रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दोगे, यू विल गेट द शेडेड पोर्शन. ठीक है, शेडेड पोर्शन कैसा आएगा? आप सोचो कि ये जो सर्कल है, ये एक बिस्किट है, जिसके जिसके सेंटर में चॉकलेट लगी हुई है रेक्टेंगुलर शेप की. और बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ चॉकलेट चॉकलेट खा लेते हैं और रिमेनिंग पोर्शन छोड़ देते हैं. तो अगर आप पूरे सर्कल में से चॉकलेट खा लोगे तो रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा. तो पूरे सर्कल के एरिया में से अगर आप चॉकलेट का एरिया या रेक्टेंगल का एरिया खा दोगे, ठीक है, ये मैं खाने वाला एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सभी को बड़ी भूख लग रही है. ओके, तो सर्कल के एरिया से रेक्टेंगल के एरिया को खाना है. ओके, सर्कल के एरिया से रेक्टेंगल का एरिया खाना है. ठीक है, तो एक बार एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं क्योंकि डायमीटर हमारे पास है. तो डायमीटर कितना आ गया सर्कल का? डायमीटर आ गया 10 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना जाएगा? रेडियस विल बी हाफ ऑफ डायमीटर, 10/2, कितना जाएगा? 5 सेंटीमीटर. ठीक है, ओके. अब क्या करूँगा? अब मैं निकालता हूँ द एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल निकालना तो बहुत ईजी है, पाई आर स्क्वायर होता है. ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर. ठीक है, पाई की वैल्यू आप अप्रॉक्सीमेट 3.14 लोगे. ठीक है, टेक पाई की वैल्यू कितना? अप्रॉक्सीमेटली 3.14. ओके, सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ऑप्शंस दे आर नॉट गिवन इन फ्रैक्शन, 22/7 से अच्छा है 3.14 लेना. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? दिस विल बी 3.14 इंटू रेडियस इज 5 स्क्वायर. ठीक है, ओके, 25 × 3.14, तो यह आ जाएगा 3.14 × 25. अच्छा, मुझे सॉल्व करके बताओ, 25 × 3.14 कितना आ रहा है? 30.5 आई थिंक इज द राइट आंसर. अच्छा, जस्ट टेल मी 3.14 × 25 कितना आएगा, जल्दी सॉल्व करो. ठीक है, 3.54 × 20 कैरी टू, 5 × 5 = 6, 7, 5 × 3 = 15 × 4 × 8, 2 × 2, 3 × 6, सो ये आ रहा है 0, ये आ रहा है 15, कैरी 1, 5, 6, 7, 8, 78.5, इट्स कमिंग 78.5. ठीक है, तो ये आ रहा है 78.5, द एरिया ऑफ सर्कल. ओके, इट इज कमिंग 78.5 एरिया ऑफ सर्किल. सो नाउ वट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये तो बहुत ईजी ही निकालना. एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी नथिंग बट एल इंटू बी. एल कितना है? लेंथ इज हाउ मच? 8. 8 × 6 विल बी नथिंग बट 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस एरिया ऑफ सर्किल विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर ओनली. और एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकालोगे? शेडेड पोर्शन मैंने क्या कहा था? शेडेड पोर्शन कैसा आएगा? पूरे सर्किल में से क्या माइनस करोगे? एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस करोगे? रेक्टेंगल को. सो एरिया ऑफ सर्कल कितना है? 78.5. माइनस कितना करोगे? 48. एंड व्हाट विल बी योर आंसर?
30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर. सो बहुत सिंपल था, शेडेड पोर्शन आरआईएमसी में बहुत आता है, ध्यान देना इस बात को. ठीक है,